हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 10x15। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, फ्रंट इसका 10 फिट दिया है, लंबाई इसकी 15 फिट दी। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में शॉप मिलेगी और फर्स्ट फ्लोर पर आपको शॉप मिलेगी। उसके ऊपर आप देख सकते हैं हाउस प्लान पूरा कम्प्लीट मिलेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी कम्प्लीट अटिया बनी हुई है। ये थ्री साइड से क्लोज है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। अगर आपका किसी अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पे आके यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफी प्लान मिल जाएंगे अदर अदर साइज के। अगर आप चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते अपने प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्लान मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शटर उपलब्ध कराया गया है। शटर से आप एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। शटर से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दुकान दिख जाती है पूरी। यहाँ पे आपको दुकान मिल जाती है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। दुकान का साइज मैंने रखा हुआ है 10x15। ये 10x15 की आपकी दुकान दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको लास्ट में जीना दिख जाता है। ये कंप्लीट जीना आपका बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ये 2 फिट का आपका जीना दिया है, 2 फिट का आपका जीना दिया है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। ये पैर रखने वाला आपका 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया है। ये आपका कंप्लीट जीना बना हुआ है। जीने से आप ऊपर आए, ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत ऊपर जाने के लिए जीना मिल जाता है। यहाँ पे आपको जीना मिल जाएगा जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जीना दिया गया है। ऊपर वाला भी जीना आपका 2 फिट का दिया है। यहाँ पे टोटल स्पेस आपका 4 फिट यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दुकान मिल जाती है, आप अपने हिसाब से डेकोरेट करा सकते हैं। इस दुकान का मैंने साइज रखा हुआ है 10x10। ये 10x10 की आपको यहाँ पे दुकान मिल जाती है 10x10। ये छज्जा आपका 2.5 फिट का निकला हुआ है, देख सकते हैं छज्जा आपका 2.5 फिट का दिया है। यहाँ पे आपको 2.5 फिट का स्पेस मिल जाता है। अगर आप दुकान के पर्पज़ से यूज करना चाहते कर सकते हैं। अगर आप दुकान बड़ी करना चाहते तो यहाँ पर आपका आगे शटर लग जाएगा, यहाँ पर आप ग्लास भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको फर्स्ट फ्लोर पर प्लान दिखता है। अब बात करते हैं सेकेंड फ्लोर की। तो जीने से आपको ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद देख सकते हैं तुरंत ऊपर जाने के लिए आपको जीना मिल जाता है जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था। ऊपर वाला भी जीना आपका 2 फिट का दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका कंप्लीट जीना दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्पेस मिल जाता है। ये 3 फिट का आपका स्पेस दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एंट्री गेट दिख जाएगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पर आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है, जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 4x6। ये 4x6 का आपका स्पेस दिया है लैट्रिन बाथरूम का, देख सकते हैं 4x6। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है, यहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस प्लान में। ये आपका छज्जा मैंने कवर कर लिया है, 2.5 फिट का आपका छज्जा था जो आपका मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पे इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 8x10। 8x10 का आपका रूम दिया गया है 8x10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पे आपको एक रूम मिलता है, एक लैट्रिन बाथरूम मिलती है और ऊपर जाने के लिए आपको जीना मिलता है। अब बात करते हैं लास्ट प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओपन एरिया दिख जाता है। देख सकते हैं जीना आपका सेम बना हुआ है। जिस जगह पे आपकी लैट्रिन बाथरूम बनी हुई थी वहाँ पे मैंने किचन बना दी है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी किचन डेकोरेट की है। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 4x6। 4x6.5 की आपकी किचन बनी हुई है, देख सकते हैं 4x6.5। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पर आपको ऊपर एक और रूम मिल जाता है, देख सकते हैं सेम साइज का आपको रूम मिल जाता है 8x10 का। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है, यहाँ पे भी आप कूलर लगा सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको विंडो पर कराई है। यहाँ पे वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आठ बाई दस का आपका रूम दिया है, ऊपर आपकी 6.5x4 की किचन बनी हुई है। अब बात करते हैं फ्रंट के एलिवेशन की अटिया की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट अटिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, बाकी का आपके यहाँ पे छत मिल जाती है आपको, देख सकते हैं एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। दस फिट में काफ़ी बेस्ट प्लान है आपका, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लुक लग रहा है आपके उस प्लान का। 10x15 में यहाँ पे आप देख सकते हैं दुकान भी मिलती है और आपको मकान भी मिलता है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज का प्लान पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।